हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इसरो का पार्ट 3 देखने वाले हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। ऊपर में दिए गए आई बटन पर आप लोग क्लिक करके वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को देख सकते हैं। ये आज पार्ट 3 है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 3 में ऑलरेडी 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसरो वाले पेपर में। तो फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में आपका 20-20 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है, तो वहाँ से आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को वॉच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसको आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए फ्रेंड्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, संरक्षक धारा ट्रांसफार्मर के बोझ को डैश में निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि जो द बर्डन ऑफ प्रोटेक्टिव सीटी स्पेसिफाइड इन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट एम्पियर, यानी कि जो इसका आउटपुट में हम लोग जो लेते हैं बर्डन जो होता है वो किस में लेते हैं, सीटी का वोल्ट एम्पियर। 40 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समकालिक मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ का परिमाण डैश पर नियब करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि जो इसका ईबी होता है सिंक्रोनस मोटर का वो किस पे डिपेंड करता है, डीसी एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन में हम लोग कौन सा सप्लाई यूज करते हैं, डीसी सप्लाई। हमेशा याद रखिएगा, एक्साइटेशन में जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा सप्लाई करते हैं, डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि नो लोड स्थिति में एवं अति उत्तेजना से चालित सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर करंट क्या होती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि व्हेन सिंक्रोनस मोटर यानी कि नो लोड पे कंडीशन पे है और ओवर एक्साइटेड है तो आर्मेचर करेंट कैसे रहेगा, तो आर्मेचर करंट रहेगा आपका लीड्स द अप्लाई वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज से लीड करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी कंडीशन में जो सिंक्रोनस मोटर है वो आपका सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 43 में आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पी एन अपॉन 120। इस फॉर्मूले पर आप रखिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 50 हर्ज, यानी कि आपका 43 का ए इज़ द राइट आंसर, 50 हर्ज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति नियंत्रण के लिए ध्रुवन परिवर्तन को अपनाया जाता है, तो इसको आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। जो हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं पोल को चेंज करके, वो कौन सा मेथड अपनाया जाता है इन निम्नलिखित मोटर में, तो वो आप अपनाया जाता है SCIM यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, देखिएगा क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है फ्रेंड्स, एक ना 1000 वाट का कोई हीटर है और 240 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो इसमें कितनी धारा बहेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है P इक्वल टू बी इंटू आई, तो यहाँ से पावर का वैल्यू ये दिया हुआ है, वोल्टेज का ये दिया हुआ है, तो इसको बाटा में कर दीजिएगा यानी कि बाई में, तो यहाँ से आपका करंट का वैल्यू आ जाएगा, तो इसका जो आप कैलकुलेशन करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4.166 एम्पियर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि इन ए ओपन परिपथ, एक खुले परिपथ में क्या होता है, तो खुले परिपथ में क्या होता है, रजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, धारा शून्य होता है। इनफाइनाइट यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो अनंत होता है और धारा शून्य होता है। 46 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर पे कि अर्थ लीकेज ब्रेकर है वो किस पे वर्क करता है, ये क्वेश्चन आपका BSPSLE में आया हुआ क्वेश्चन है, जो इस बार एग्जाम हुआ था इसमें आया हुआ है क्वेश्चन। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है वो आपका रिसिडुअल करंट पे वर्क करता है, ठीक है दोस्तों, जो आपका ELCB है वो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वो रिसिडुअल करंट पर
वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट को स्थिति किससे मापा जाता है, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यानी स्पेसिफिक घनत्व यानी विशिष्ट घनत्व है, उससे हम लोग मापते हैं कि बैटरी मेरा चार्ज है डिस्चार्ज है जो भी कंडीशन है तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, दो चुंबकीय के बीच के बल कैसा होता है, तो ये आपका होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो 49 का आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, बैंड पास फिल्टर हुआ है जो, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दो आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत भेजता है, 50 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्टार संयोजन में लाइन वोल्टता डैश के समान होता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √3 फेज वोल्टेज। तो स्टार कनेक्शन में आपका जो लाइन करंट इक्वल्स टू होता है फेज करंट और लाइन वोल्टेज इक्वल टू होता है √3 फेज वोल्टेज, ये आपको हमेशा याद रखना है, और जस्ट इसका उल्टा हो जाता है आपका डेल्टा कनेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर को परास को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 52 नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर को परास को बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में उच्च मान का आपको रेजिस्टेंस लगाना होगा, तो 52 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित हेतु अपेक्षित है यानी जो वायरिंग किया जाता है हाउस में उसको कौन सा वायरिंग कहते हैं, तो इसको वायरिंग का नाम है कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग, तो इसका क्या नाम है कंसील्ड वायरिंग, जो दीवार के अंदरों में झीरी काट कर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं कंसील्ड वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो आपका जो सिंक्रोनस मोटर है वो आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, और ये आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है और वाउंड रोटर भी सेल्फ स्टार्टिंग है, डबल केज भी सेल्फ स्टार्टिंग, इनमें से सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन पे है, विच वन ऑफ द फिलिंग इज ए पैसिव डिवाइस, तो पैसिव डिवाइस आपको छटना है इन सभी में, तो आपका पैसिव डिवाइस जो है इंडक्टर होता है, तीन चीज इंडक्टर पैसिव डिवाइस होता है आपका रजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीनों आपका जो होता है वो पैसिव डिवाइस होता है, और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो होते हैं जैसे फेट SCR BJT ये आपका कौन सा होता है, यह होता है आपका एक्टिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, आपका कंडीशन बताना है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पावर का V into I यानी कि D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिएगा, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने के लिए योग है यानी बुझाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका आपको पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं हम लोग जो आग लगता है इलेक्ट्रिकल आग उससे को बुझाने के लिए, या आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी यूज करते हैं CaTC CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल परिपथ की कंटिन्यूटी डैश के द्वारा जाँच किया जाता है, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, तो आपका ओम मीटर से कंटिन्यूटी जांच सकते हैं या मल्टीमीटर ऑप्शन में हो तो उससे भी जांच सकते हैं, तो इसका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, मल्टीमीटर से हम लोग जांच सकते हैं कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर, कि किसी कैपेसिटर की धारिता समानुपाती होती है, तो आपका जो एरिया ऑफ द प्लेट जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, C = क्या होता है ई साइलेंट एरिया बाई थिकनेस यानी कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो थिकनेस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर ऑफ प्योर साइन वेव, तो प्योर साइन वेव का जो मान होता है वो होता है 1.11 और पीक फैक्टर का मान होता है 1.414। तो फ्रेंड्स ये था आपका Part 3 इसरो का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका इसरो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर तरह इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रिकल का तैयारी फ्रेंड्स इस पर किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय।